What's up everyone, welcome back to the channel. आज हम start करने जा रहे हैं हमारा chapter number 3, that is national income and related aggregates. दो chapter आप already कर चुके हो, यहाँ से आपका numerical portion शुरू हो जाएगा जो कि बहुत ही interesting है. ये chapter हमारा दो parts में खत्म होगा और दो parts के अंदर आप लोग perfection ले आओगे इस particular chapter में. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और सीखते हैं कि क्या होते हैं हमारे पास numericals, क्या होते हैं हमारे पास aggregates, कैसे हम national income calculate कर सकते हैं. चलिए लेट्स बिगिन. तो चलो यार, अब हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स है ना, तो लिखना तो पड़ेगा. हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं एग्रीगेट्स की मदद से. सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं. देखो, एग्रीगेट्स बेसिकली क्या है? एग्रीगेट एक वो कॉन्सेप्ट है जो हमें मदद करता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. याद रखना, इंटरमीडिएट भी होते हैं, फाइनल भी होते हैं, है ना. हमें लेने हैं फाइनल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब देखो, इकोनॉमी में मल्टीपल चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं. इकोनॉमी में मिल्क प्रोडक्शन भी हो रहा है, इकोनॉमी में फर्नीचर भी बन रहा है, इकोनॉमी में हमारे पास बेसिकली घी भी बन रहा है, बटर भी बन रहा है. अब देखो, मिल्क जाएगा लीटर्स के रेट से, फर्नीचर जाएगा पीसेस के रेट से, घी जाएगा केजी के रेट से, बटर जाएगा केजी के रेट से. तो देर आर मल्टीपल, एक तरीके से हमारे पास मेजरिंग ऑप्शंस हैं, मल्टीपल स्केल्स हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से बिकती हैं. यानी कुछ लीटर में, कुछ पीसेस में, कुछ केजी में, कुछ कैसे तरीके से, हर चीज़ का बेचने का अलग अलग तरीका है. अब अगर इस तरीके से हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करने लगेंगे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो हमें चाहिए हर चीज़ किस टर्म्स में? मनी की टर्म्स में. हमने बोला कि यार ये सब लीटर, पीसेस, केजी, मिलीलीटर, ये सब अपने घर रखो, इसे हटाओ. हमें तो चाहिए सब कुछ किस टर्म्स में? रुपये की टर्म्स में. तो रुपीज़ की टर्म्स में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एस्टिमेट करने में हमें हेल्प करते हैं एग्रीगेट्स. ठीक है, अब एग्रीगेट्स में हमारे पास कितने एग्रीगेट्स होते हैं? तो हम बोलेंगे देर आर 8 एग्रीगेट्स. हमारे पास टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं? 8 एग्रीगेट्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं कि एग्रीगेट्स का मतलब ही क्या है. तो एग्रीगेट्स कुछ चार चीज़ों को मिला के बनते हैं. वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ. अब देखो कौन कौन सी चार चीज़ें हैं. सबसे पहले जो वैल्यू आता है यहाँ इस पर्टिकुलर स्पॉट पे, वो या तो आएगा ग्रॉस शब्द या आएगा नेट शब्द. ये अब मैंने आपको चैप्टर 2 में भी पढ़ाया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ा ना आपने वहाँ पे भी, ग्रॉस और नेट. दूसरा क्या होता है यहाँ पे? या तो आता है डोमेस्टिक और या आता है नेशनल. तीसरा क्या आता है यहाँ पे? थर्ड वन इज प्रोडक्ट. चौथा क्या आता है? या तो आएगा फैक्टर कॉस्ट या आएगा मार्केट प्राइस. तो अगर देखा जाए ना बेटा जी, तो हमारे पास चार तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है या तो ग्रॉस और नेट, दूसरा होता है डोमेस्टिक और नेशनल, तीसरा होता है प्रोडक्ट, चौथा होता है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस. इनको समझते ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्रीगेट्स का मतलब समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है. तो देखो, ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस पे कोई भी सामान को खरीदा जाता है. मतलब ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू है जिस सामान से, जो सामान की बेसिक वैल्यू है. जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं कोई गिटार लेके आया, ठीक है. अब मैं वो गिटार लेके आया सपोज 10,000 रुपीज़ का. तो 10,000 रुपीज़ का अगर मैं गिटार लाया हूँ, उसको धीरे 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 यूज़ करूँगा तो उसका वैल्यू कम होगा. यानी जो 10,000 रुपये है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है जिसमें अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ना, उसके अंदर डेप्रिशिएट होगा अभी वो. उसके बाद मैंने उसको बजाया, उसको यूज़ करा, एक्चुअल में गिटार को प्ले करा और करता 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 एक साल तक यूज़ करा. एक साल बाद अब मैं अपडेट करना चाहता हूँ, मैं नया गिटार चाहता हूँ, तो अब मैं उसको सेल करूँगा. पुराना गिटार जब मैं बेचने के लिए जाऊँगा तो उसकी आज की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी. आज वो 5,000, 4,000, 6,000 में बिकेगा, तो वैल्यू कम हो गई. उसको बोला मैंने नेट वैल्यू. तो ग्रॉस वैल्यू हमारे पास होती है बिफोर डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू हमारे पास होती है आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू गिवन है और आपको नेट वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते हो? इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो. और अगर आपको नेट वैल्यू गिवन है
आपको ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हो। इन एरोज का ध्यान रखना कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। एरोज की बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं बेटा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं अगर हम ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हम नेट वैल्यू पे आ जाएंगे, या हम नेट प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हम ग्रॉस वैल्यू पे आ जाएंगे। बेसिकली ग्रॉस और नेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस ही डेप्रिसिएशन होता है, इन दोनों को डिफरेंशिएट ही डेप्रिसिएशन करता है, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन के ना अलग अलग नाम होते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन है इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे नंबर वन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सबसे पॉपुलर, ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। तीसरा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है बेटा जी, वो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या क्या किस किस तरीके से होता है, ठीक है। ग्रॉस और नेट समझ में आया। उसके बाद जो दूसरा शब्द है, जो दूसरी प्लेस है, वहाँ पे या तो डोमेस्टिक आएगा और या नेशनल आएगा। अब मैं जब भी डोमेस्टिक बोलूँगा ना, तो डोमेस्टिक का मतलब समझ जाना कोई भी चीज़ जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है। जब भी डोमेस्टिक बोलूँ, अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है आप जानते हो, हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर्स प्लस कुछ एक्सेप्शंस से, जैसे हमारी एम्बेसी, हमारा कॉन्सुलेट, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स, हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे पढ़ाए थे ना मैंने। तो हमारे पास डोमेस्टिक क्या है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ हुआ है। नेशनल क्या है, जिसके अंदर आप बाहर से आने वाली वैल्यूज भी जोड़ दो, राइट। जैसे मैंने आपको बोला नेशनल हमारा टोटल होता है, ठीक है। अब अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, फॉर एग्जांपल मैं इनकम की बात करता हूँ बच्चों, अगर मैं इनकम की बात करूँ तो जो भी इनकम मैंने अपने देश के अंदर अंदर कमाई हुई है, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हुई है, उसको मैं डोमेस्टिक इनकम बोल दूंगा। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें बाहर से आने वाली इनकम को भी जोड़ूंगा। बाहर से आने वाली इनकम कौन सी होती है, बाहर से आने वाली इनकम को बोलते हैं बेटा जी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखना बच्चे, फैक्टर इनकम। हम लोग कभी भी ट्रांसफ़र इनकम नहीं लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम प्रोडक्टिव नहीं होती। ट्रांसफ़र इनकम बस आपको मिल जाती है, बस आपको रिसीव हो जाती है बिना कोई भी प्रोडक्शन करे। हमें लेनी है फैक्टर इनकम, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है देखो, क्योंकि इनकम आप कमाओगे भी भाई, आप कमा रहे हो, अगर आपके रेजिडेंट कमा रहे हैं तो आपके लिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, बाहर के रेजिडेंट भी तो आपसे कमाएंगे, ये भी मैंने आपको पहले समझाया था, यानी आप भी तो बाहर पे करोगे, तो उसको बोलते हैं इनकम टू अब्रॉड। तो हमारे पास NFIA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको मैं शॉर्ट में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड FIFA बोलता हूँ। आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। माइनस कर दो इसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसको हम क्या बोलते हैं FITA। तो अगर आपको NFIA निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, ये NFIA हो जाता है। तो डोमेस्टिक में बाहर से आने वाली इनकम जोड़ो, टोटल नेशनल इनकम बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। और अगर आपको नेशनल से जाना है डोमेस्टिक पे, आपको नेशनल वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि डोमेस्टिक निकाल के दिखाओ, यही करेगा, घुमाएगा बस, यहाँ से ये बता दो, यहाँ से ये बता दो, ऐसे ही करने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस कर दोगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे। बेटा जी नेट याद रखना, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करनी है, ऑलराइट, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तीसरी चीज क्या होती है जो फिक्स्ड होती है, तीसरी चीज जो फिक्स्ड होती है बच्चे, वो है हमारे पास प्रोडक्ट। दिस विल ऑलवेज रिमेन सेम, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है इकोनॉमी में, राइट। तो पहला वाला या तो ग्रॉस और नेट होगा, दूसरा वाला डोमेस्टिक या नेशनल होगा, तीसरे पे पी इज कॉन्स्टेंट, चौथा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, आप जानते हो फैक्टर कॉस्ट को, फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आपके पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है
उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, है ना। लेकिन वो सामान बाजार में उतने का नहीं बिकता, सरकार हमारे से टैक्स भी लेती है। जैसे मैंने आपको पिज्ज़ा का एग्जाम्पल दिया था कि आप एक पिज्ज़ा खाने के लिए जाओ तो आप पिज्ज़ा का पैसा भी दे के आओगे और उसके साथ साथ टैक्स का पैसा भी दे के आओगे, दे के आओगे या नहीं दे के आओगे। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। कौन से वाले टैक्सेस? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट का तो बर्डन ही शिफ्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट तो बेसिकली आप ही को खुद ही पे करने पड़ेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दें, जिसकी फुल फॉर्म होती है NIT, सॉरी शॉर्ट फॉर्म होती है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दें, तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस कर दो NIT, ठीक है। अब NIT का भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है बेटा जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये आपको माइनस करना है। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सरकार को मिले हैं, ये सरकार को मिले हैं, जनता से लिए हैं, सब्सिडीज जो पे करा है, जो पैसा पे किया है गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए, तो सरकार के पास जो बचा वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना। तो बेसिकली दिस इज फैक्टर कॉस्ट और NIT जोड़ो तो मार्केट प्राइसेस, परफेक्ट हो गया। ओके सर, तो हमारे पास ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर मुझे एग्रीगेट्स बनाने हो, जो सर आपने बोला 8 aggregates होते हैं, कौन कौन से 8 होते हैं, कैसे लिखते हैं हम उनको, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड यू ऑल आर ग्रेट। चलो सबसे पहले, पहले का पहला ले लो, दूसरे का पहला ले लो, तीसरा तो एक ही है, चौथे का पहला ले लो। तो कैसे लिखोगे इसको, इसको लिखोगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, लिख दिया या नहीं लिख दिया। दूसरा क्या बनेगा, अब ग्रॉस वाले लिखते हैं सिर्फ, डोमेस्टिक की जगह आप नेशनल ले लो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हो गया। देखो दो हो गए, पहले मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिया, फिर मैंने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिया। इसका मतलब क्या है, देखो ये ग्रॉस वैल्यू पे होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जो प्रोडक्शन हुई है, और फैक्टर कॉस्ट पे, ये क्या है ग्रॉस वैल्यू पे, लेकिन टोटल जो प्रोडक्शन है नेशनल, NFIA जुड़ चुका होगा इसके अंदर, प्रोडक्शन हुई है और कौन से कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे। अच्छा अब ले लो आप GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक लेवल का प्रोडक्ट लेकिन मार्केट प्राइस पे, इस बार मैंने MP पे ले लिया, ठीक है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो ये चार हमारे ग्रॉस वाले होते हैं, ये चार कौन से वाले होते हैं, ग्रॉस वाले, ऐसे ही चार नेट वाले होते हैं। तो नेट वाले जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो NDP एट FC और NDP एट MP, ये तो मैंने डोमेस्टिक वाले ले लिए, ठीक है। सिमिलरली NNP एट FC, NNP एट MP, देखो ये होते हैं मेरे पास नेट वाले एग्रीगेट्स। तो हमारे पास चार एग्रीगेट्स बच्चों ग्रॉस वैल्यू पे होते हैं, चार एग्रीगेट्स बेटा जी नेट वैल्यू पे होते हैं, टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 8, और इन एग्रीगेट्स की मदद से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्या कमाल की बात है कि ये जो NNP एट FC है ना, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो कभी आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, तो नेशनल इनकम हम बोलेंगे NNP एट FC को, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, परफेक्ट है। अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि NDP एट FC किसको बोलते होंगे, ये आपको सोचना है और कमेंट्स में बताना है, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, बट आपको एक बार सोच के बताना है कि NDP एट FC किसको बोलते होंगे, क्या इसका भी कोई नाम होता होगा या मैं वैसे ही आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आप सोच के बताना। अब देखो ये हमारे बेसिक एग्रीगेट्स होते हैं, इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती हैं। अब भैया इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, हमें क्या बोलता है करने को वो बताओ, लिखो जरा क्वेश्चन नंबर वन, GDP एट MP 20,000, GDP एट MP 20,000, ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 1,500,
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है 500, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 1000। आपको निकालना है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जो भी कैलकुलेट करना है ना बेटा जी, जो भी कैलकुलेट करना है, जैसे आपको ये कैलकुलेट करना है, इसको रख लो लेफ्ट साइड में, एनएनपी एट एफसी चाहिए ना मुझे, यहाँ रख लो एनएनपी एट एफसी, यहाँ रख लो। जो गिवन है इस तरीके का, कोई भी एग्रीगेट जो इस तरीके का गिवन है उसको राइट में रख लो। ये गिवन है, देखो जीडीपी एट एमपी गिवन है, इसको राइट में रख लो, जीडीपी एट एमपी इसको राइट में रख लो। इसकी वैल्यू कितनी है, 20,000। अब देखो आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, नेट वैल्यू। आप कौन से वैल्यू पे हो, ग्रॉस वैल्यू पे। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करते हो, चेक करो, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करते हो, फॉर्मूला में लिखवाया मैंने आपको, देखो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करो, माइनस डेप्रिसिएशन वहां से। चलो जल्दी जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक्स में चेक करते चलना, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। मैं डोमेस्टिक पे हूँ, मुझे चाहिए नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं बाहर से आने वाली इनकम, NFIA, है ना। PP तो हमेशा सेम होता है। मैं मार्केट प्राइस पे हूँ, मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस NIT करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम करेंगे माइनस NIT, इसे हटा देता हूँ, माइनस NIT। डेप्रिसिएशन बताओ कितना है, डेप्रिसिएशन है 1000। सर NFIA तो गिवन ही नहीं है, NFIA कैसे कैलकुलेट होता है मैंने आपको सिखाया, फीफा माइनस फीटा। एग्जाम में प्लीज फुल फॉर्म लिख के आना, फीफा माइनस फीटा मत लिखाना। 1500 माइनस 500 1000, NIT 1000, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 20 माइनस 1 19, 19 प्लस 1 20 माइनस 1 19, 19,000। जो भी यूनिट होगी वो ज़रूर लगा देना, फॉर एग्जाम्पल ये करोड़ है तो ऐसे लगा देंगे 19,000 करोड़, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन करोड़, ऐसे दिया होगा आपको क्वेश्चन में, तो 19,000 करोड़ आपका आ जाएगा आंसर। समझे कैसे निकलते हैं एग्रीगेट्स, देखा कैसे सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2। NNP एट MP 16,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 2000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 3000, सब्सिडीज 4000, और आपको निकालना है GDP एट FC। चलो वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ फटाफट से कि GDP FC कैसे निकलेगा, कोशिश करो इसको करने की जल्दी जल्दी से। क्या तरीका है, जो भी फाइंड करना है लेफ्ट में रख लो, GDP एट FC चाहिए। क्या गिवन है, NNP एट MP गिवन है, NNP एट MP कितना गिवन है, 16,000। नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं सर, है बेटा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही तो दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन का, तो 2000 तो यहाँ पे होगा प्लस। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस करना पड़ेगा NFIA, तो सर है ही नहीं, सच में ही नहीं है, NFIA नहीं है तो क्या कंसिडर करो, 0। PP हमेशा सेम होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है फिर से, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा NIT, आपको माइनस करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करना पड़ता है आपको NIT, तो NIT के लिए IT माइनस सब्सिडीज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज, IT कितना है 3000, सब्सिडी कितनी थी 4000, तो ये नेगेटिव का आ गया 1000, ये क्या आया माइनस का 1000 आ गया बच्चों। अब देखो माइनस करना था और माइनस का 1000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 16 × 2 = 18 × 1 19,000 करोड़ इज द आंसर।
समझे? इस तरीके से बेटा जी हमारे पास एग्रीगेट्स सॉल्व होते हैं। आपको कुछ भी दे सकता है निकालने के लिए, लेकिन एग्रीगेट दे के रखेगा। आपको एक लेफ्ट में रखना है, एक राइट में रखना है, दोनों को कंपेयर करना है और वैल्यू निकालनी है। परफेक्ट, सिंपल। अब आज आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखनी है, अच्छे से समझ ली आपने पूरी की पूरी। सिंपली आपके पास जो भी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 खोलो, एग्रीगेट्स खोलो, उसके बेसिक क्वेश्चन सारे ट्राई कर लो, देखो आप सारे कर पाओगे। इजी हो जाएगा आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप करोगे क्योंकि आपने सारे समझ लिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसके एडवांस क्वेश्चंस कराता हूं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस कराता हूं और चैप्टर को करते हैं खत्म। फिर हम चलेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। इतना ही था, यस, छोटा सा चैप्टर है, इतना ही है। चैप्टर 4 पे चलेंगे, नेशनल इनकम आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और इसी तरीके से पढ़ते रहो। अब हमें जल्दी जल्दी से सिलेबस पूरा करना है आने वाले 3 महीने में, जैसे मैंने आपको बताया, और खूब मेहनत करनी है और खूब आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।